लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज गाजियाबाद और नोएडा के भी मतदान जारी है। ऐसे में दिल्ली यूपी की तमाम सीमाओं को बृहस्पतिवार शाम से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने के अलावा संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर वाहनों की गहन तलाशी की जा रही है। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र के बुलढावा के कई चुनाव कर्मचारियों ने सुविधाजनक वोटिंग के लिए खास तैयारियां की हुई हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिए जिले से तालुका स्तर तक नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। आचार संहिता लागू करने का जिम्मा कई निगरानी टीमों और उड़ान दस्ते पर है। वहीं तेज गर्मी को देखते हुए छायादार कमरे, पीने के लिए पानी, कूलर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अमरावती में जिला प्रशासन ने क्यूलर कोड स्कैन करने के लिए ऐप बनाए हुए हैं, जो वोटरों को उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां दे रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 400 पार के लिए पीएम रैली रोड शो कर रहे हैं, साथ ही साथ चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल एक मालदा उत्तर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ पीएम मोदी के अरारिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 6 बजे पीएम उत्तर प्रदेश पहुंचकर बरेली में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने यूपी के शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठा कांग्रेस का शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि अमेठी में उस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी पर है। यह आपका वोट ही है जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे गुना लोकसभा क्षेत्र के मंडी परिसर पपरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के खिचड़ीपुर स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर विपक्ष पर जुबानी वार किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को छुपा हुआ एजेंडा एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला एक हक गरीबों का है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को एससी एसटी और ओबीसी से नफरत है, क्योंकि देश में अधिकांश आबादी उनमें शामिल है और ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा आज कर्नाटक में दोपहर 1 बजे रोड शो करेंगे। ये रोड शो वाल्मीकि सर्कल से गांधी सर्कल तक होगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा काला बुरागी जिले में शाम 5 बजे रोड शो करेंगे, साथ ही शाम 7 बजे बिदौर जिले में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की गई थी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर गुप्ता को की बैच ने सभी याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा, ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा में 8 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की इस लिस्ट में अंबाला से तरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। करनाल के कांग्रेस ने पूर्व सीएम के सामने दिव्यांशु बुधिराजा को मैदान में उतारा है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। रोहतक से फिर से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। फिलहाल हिसार से हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आप ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया नहीं मिला है।
चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस नोटिस जारी कर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। इसके तहत पहले कदम के रूप में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोपों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगा है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी का सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पार्टी में शामिल होते समय मनीष ने कहा था कि वो अपनी मां के कहे अनुसार बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि जब वो जेल में बंद थे तो उस समय मनोज तिवारी ही उनके सबसे बड़े सहयोगी बने थे। जोबाग रूस के दौरे पर हैं। अजीत जोबाग ने रूस के NSA निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की। इस महीने हुई दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात रही। इस दौरान जोबाग और पेत्रुशेव ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग से हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जोबाग ने रूस के अलावा म्यांमार समेत कई देशों के NSA के साथ मुलाकात की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के नोपोरा सोपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृत आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। यहां कैदियों में 2 गुटों में एक दूसरे के जेल में तैयार किए गए हथियारों से हमला किया। बताया जा रहा है कि ये सभी कैदी एक ही सेल में बंद थे। तिहाड़ की जेल के नंबर 3 में कैदियों का शोर सुनने के बाद पहुंचे जेल कर्मचारियों ने कैदियों को एक दूसरे से अलग किया। इस घटना में 3 से 4 कैदी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदायूं के गांव उनोला के पास MF हाईवे पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार इको कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिस से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, बल्कि 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में आगामी जांच शुरू